प्रेसिडेंट को बुलाओ, अरे प्रेसिडेंट को बुलाओ, अरे दूसरे जल्दी से प्रेसिडेंट को बुलाओ, वी वांट जस्टिस, प्रेसिडेंट को बुलाओ, ये सर। अरे ओ, तुम लोग प्रेसिडेंट को जानते भी हो? अरे तू ज्यादा बकवास मत कर, तू भी हमारे टैक्सेस रेट, हम लोग जो टैक्स भरते हैं ना उससे तुम लोगों को सैलरी मिलती है, तुम लोग बकवास मत करो, हम लोग टैक्स भरना बंद कर देंगे। अरे लगता है यार यहाँ पे तो यार इतनी सारी पब्लिक जमा हो गई, जाना ही पड़ेगा इन पब्लिक के सामने, गड़बड़ हो गई है क्या? अरे यार ये तो न्यूज छापती है फ्रैंकलिन, मैं फ्रैंकलिन के फैमिली और मेरे खिलाफ। अरे यार ये हम लोग यार देश का यार वैसे देश के लीडर तो हम ही लोग हैं। अरे अरे प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट सर, वी वांट आंसर, वी वांट आंसर। अरे सर हमें जवाब चाहिए, आप एक बार बताइए लॉस सैंटोस में इतना क्राइम बढ़ रहा है, क्या कर रही है गवर्नमेंट? हम कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को वोट करके बनाया था, ऊपर से वो प्रेसिडेंट वो फ्रैंकलिन की फैमिली पूरे दिन भर लॉस सैंटोस में व्लॉग बनाते रहते हैं, गाड़ियों को रेस करते रहते, हमें परेशान करते हैं कि ये हाईवे पे ये नहीं चलेगा, हाईवे पे वो नहीं चलेगा। अच्छा सर आपके खिलाफ हम न्यूज छापी जाएगी, पूरे दिन 24 घंटे आपकी न्यूज चलाई जाएगी, आपकी और फ्रैंकलिन के खिलाफ कि आप लोग प्रशासन का मजाक उड़ाते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप इधर फ्रैंकलिन को बुलाइए। मैं बुलाता हूँ। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई है, क्राइम इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं लॉस सैंटोस में, किसी पे मर्डर हो रहा है, किसी पे ये सब हो रहा है, इतनी सारी दिक्कत है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोगों का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए हमने वोट देकर के आपको प्रेसिडेंट बुलाया था। हम तो सर गुस्सा बहुत हो रखे हैं। अरे अरे खींचो इनकी फोटो, खींचो और खींचो। अरे अरे फ्रैंकलिन को कॉल करनी पड़ेगी। क्यारा आ जाओ फिर यहाँ पे। अरे अरे फ्रैंकलिन नहीं मैं देख लूंगी। अरे क्यारा, अरे यार इलाका मेरा है ना। अरे क्यारा तुम शांत हो जाओ यार, इलाका तुम्हारा है, अगर तुम्हारा इलाका तो तुमने इतने दिनों से क्या कर रही थी भाई। अबे यार ये गेट भी बंद है इस जगह का भाई इसके। और गाइस क्या हाल चाल है आपका, एक और रहा गेम प्ले वीडियो में पीएस गेमस्टर की भाई मैं स्वागत करता हूं। आई एम रियली सॉरी गाइस, कल वीडियो नहीं आ पाई थी है ना, उसका रीजन मैं अभी आपको घर जाकर के बताऊंगा। बाकी गाइस अभी मैं आया हूं एक जगह पे जहां पे यार काफी कंप्लेंट आ रही है कि यहां पे यार काफी ड्रग डीलिंग हो रही है, और जो कि यार बहुत ज्यादा रॉन्ग बात है। और भाई मेरे होते हुए और क्यारा के पास पता है ये कंप्लेंट मैंने देखा गाइस, क्यारा के पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट कम से कम दसियों बार है, लेकिन क्यारा ने इस बात पे एक्शन ही नहीं लिया है। और भाई साहब यहाँ पे यार देखो लड़कियों के चक्कर में बुलाया जाता है, रिझाया जाता है, और यहाँ पर भाई साहब होता है बिल्कुल ही ड्रग डीलिंग, और छोटे छोटे बच्चे भाई इस ड्रग डीलिंग का शिकार हो रहे हैं भाई, वो भी यार बहुत बुरी तरीके से इस ड्रग डीलिंग का शिकार हो रहे हैं। क्यारा, अरे अरे फ्रैंकलिन मैं भी आ गई। अरे तुम अब नीचे आओ यार, चलो भाई। अरे अरे कहाँ जा रहे हो यार? एक तो ये पोस्टर में ना आग लगानी पड़ेगी। अरे यार ओके ओके भैया, शिंचर की आवाज कौन निकाल रहा है? अरे यार ये इसकी रिंगटोन लगी हुई है। अरे 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 यार तो तसल्ली से भी काम कर लिया करो, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? देखो मैं भी तो आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है तुम आ रही हो भाई। ओके 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 पोस्टर पोस्टर। अब यार मैं तो बम फूटा तो ओके सो गाइस पोस्टर तो सो गया बढ़िया तरीके से है ना। अब चलो यार यार यहाँ पे देखते अच्छी तरीके से भाई, ऐसा थोड़ी ओ लॉस सैंटोस में केस फाइल्स आने लग गई हैं तगड़ी तरीके से है ना भाई, बहुत तगड़ी केस फाइल्स आ रही हैं। अब क्या बताऊँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लॉस सैंटोस में क्राइम बढ़ते जा रहा है यार, ये क्राइम मिटाना पड़ेगा यार। हम लोग पुलिस के बात के हैं, हम लोग घर में पसरे रहते हैं, मुझे लग रहा है यार काफ़ी इतने दिनों से हम जो घर में पड़े रहते हैं, घर के काम करते रहते हैं, इसी चक्कर में पीठ पीछे यार किसी ने काम ऐसा कर दिया, सोच लिया कि भाई पुलिस प्रशासन अब ढीला पड़ गया है तो हम लोग ऐसा करने लगते हैं। बेटा अब तुम बचोगे नहीं, एक सेकेंड ये मैं कॉल पर बात करता हूँ। हेलो हाँ माइकल सर। अरे यार सारी रिपोर्ट लेके आओ, जितनी भी FIR दर्ज हो रखी है लॉस सैंटोस में। हाँ सर बहुत खतरनाक क्राइम है। अरे अरे तुम लेकर के तो आओ, मैं बताता हूँ यार इन लोगों को। हाँ सर सबसे बड़ा तो बैलास गैंग वाले उल्लू के बट्टे, वो लोग ज्यादा चढ़ के बैठ रहे हैं। अच्छा और सर सर जो माफिया से जो कैफे लूटते हैं, होटल पे लूटते हैं, आपका इवन आपका रेस्टोरेंट भी लूट लिया। अच्छा चलो देखता हूँ यार जल्दी से, मैं यार सारी रिपोर्ट मेरे पे आ जाए, मैं सारी केस फाइल पढ़ता हूँ यार, ये क्या चक्कर चलने लग गया लॉस सैंटोस सैंटोस में हमारे होते हुए ये काम भाई। दरवाजे सारे बंद करके रखते हैं वहाँ पे ड्रग डीलिंग के लिए। ओ ये दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ क्यारा। ओहो इनको क्या लगता है ये है ना रास्ता, ये सब इनको क्या लगता है मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे अरे पुलिस आ गई, अरे पुलिस आ गई, पुलिस हट तेरी ऐसी की तैसी, पुलिस तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर रही वाली है अभी है ना। अभी देखो गाइस देखो ये सब नशे में धुत तो रखे भाई, ये देखो ये सब कुछ नहीं करेंगे। अरे मैंने थोड़ी सी पी है, थोड़ी सी नहीं पीऊंगा तो कल पता चलेगा। अरे सर आप भी पीने के लिए आए हो क्या? हाँ हाँ तुम्हें पिलाने के लिए आया हूँ, मैं पीने के लिए नहीं आया। अभी बताता हूँ कि कैसे पिलाया जाता है और कैसे पिया जाता है। जहर पिला रहे हैं भाई साहब छोटे छोटे लोगों को, भाई साहब कम उम्र के लोगों को सारा दिमाग खराब कर रखा है। क्यारा इधर आओ जल्दी से।
फ्रैंकलिन क्या करना चाह रहे हो? इधर आ जाओ ना चुपचाप से। अरे क्या है बोलो तो सही। यार ये क्या रखी ना यार, इसको लेकर के क्यों आया? थोड़ी बुद्धि पता नहीं कहाँ पे है इसकी। हटो जल्दी से। अरे अरे सॉरी, आप ये नहीं कर सकते। हट जा, तेरी ऐसे की तैसी आया बड़ा बन के ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आओ तुम सालो निकल के आओ ड्रग डीलिंग चल। फ्रैंकलिन किधर चले गए सुबह सुबह? भाई साहब चलो यार, कोई बात नहीं। फ्रैंकलिन ब्रदर, क्यारा भाभी। अरे फ्रैंकलिन तो क्या लग रहा था, क्यारा भाभी भी गई है। चलो भाई साहब, मुझे पता नहीं यार किस बात के। वैसे यार पता है, कल ना मैं न्यूज़ देख रहा था, लॉस सेंटर्स में क्राइम्स बढ़ते जा रहे, क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं। और भाई न्यूज़ में ये भी आया, रिपोर्टर जर्नलिस्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो गोदी मीडिया है नहीं, तो भाई यहाँ पे खुल करके रिपोर्टर जर्नलिस्ट भाई बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे रिपोर्टर वो क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट, पता है क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है बहुत ज़्यादा ढीला है, पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो भाई साहब मतलब फ्रैंकलिन की बात आ गई, और भाई उन्होंने प्रेसिडेंट पे भी लांछन लगा दिए जर्नलिस्ट ने। और भाई साहब यहाँ पे तो भाई फ्रीडम ऑफ जर्नल वो क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ मीडिया है, तो भाई यहाँ पे अच्छी तरीके से ही चल रहा है भाई। इसलिए यार मैं भाई एक बार हिमावारी पिंचन सिंचन से बोलता हूँ भाई, ये लोग भी पता नहीं क्या यार, खुली हवा नहीं खाते भाई साहब, सड़े रहते हैं बिल्कुल ही एकदम। चल रही है यहाँ पे भाई साहब, गजब काम कर दिया ना भाई आपके भाई ने। ओ भाई साहब रुको, उधर तक जाएगा वो सही फोड़ा साड़ो को ऐसे की तैसे इन लोगों की। सही आग लग गई गाइस, देख रहे हो आग सही लग गई। ये लोग भाग रहे कहाँ तक भागोगे साड़ो, कहाँ तक भागोगे? तुम लोगों का गलत काम चल रहा है भाई, ये सब चीजें बंद करेगा, बंद करो साड़ो। एक नंबर के हराम खोर लोग, कहाँ भाग के गए? निकल लिए पीछे के रास्ते से, कहाँ तक निकल के जाओगे बच्चो? वो जा रहे आए बड़े साला, गलत आदतों में डाल रहे हैं यार खामो खाई। यार लॉस सेंटोस का माहौल खराब हो रहा है यार, ये सब चीज़ें गलत है ना बहुत ज़्यादा ही, है ना गाइस? फ्रैंकलिन यार तुमने काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया ना। कह रहा मैं हमेशा अच्छा ही काम करता हूँ। अब पर अपनी गाड़ी किधर है? अरे गाड़ी यार इधर है फ्रैंकलिन। अरे यार लेके आओ जल्दी से। तो तुम भी तो ला सकते हो क्यारा, इतना तो काम कर दिया करो यार। अरे यार गाइस क्यारा से इतना भी काम नहीं होता है। कहाँ पर हो अब? अरे यार फ्रैंकलिन आओ ना प्लीज यार लेने के लिए। यार हद है यार भाई, काय बात की पुलिस ऑफिसर नहीं है ये भाई साहब, यार हद होती है यार। क्या रहा कहाँ पे हो भाई, दिख भी तो नहीं रही है। अरे यार किस साइड है ये, क्या रहा अंदर ही है क्या, अंदर चली गई क्या? अबे क्या रहा तुम दिख भी तो नहीं रही। फ्रैंकलिन यार मैं भटक गई रास्ता। भटक कैसे गई हो यार, जब मैं तुम्हें साथ में लेके गया था, साथ में लेके आया हूँ, तो तुम भटक कैसे सकती हो? ओके सो गाइस देखता हूँ मैं क्या रहा, इधर भी नहीं दिख रही है, कहीं पे भी नहीं दिख रही, तो फिर भटक कहाँ गई है? बेवड़ी है क्या थोड़ी सी? अब गाइस दिख ही नहीं रही है भाई बिल्कुल ही यार, जब समझ ही नहीं आ रहा यार क्या रास्ता। हाँ मिल गया। अरे यार क्या भटक गई खामोश गाइस। अरे अरे मैं पीछे बैठती हूँ। क्यों आगे तुम्हारे पे अटैक हो जाएगा तो? हाँ तो बस ठीक है, ये भाई कैसे लोग हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने की जगह भाई साहब। ओह गुड, थैंक यू सर, आपने ये काम किया, ये काम बहुत ज्यादा अच्छा है, ये सब काम तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। हाँ तो किया है भाई, मुझे पता है मैं लॉस सेंटर्स में पुलिस ऑफिसर हूँ तो बहुत बढ़िया ही काम करता हूँ। यार तुम यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ नहीं रही हो भाई। अरे यार फ्रैंकलिन, क्या तुम्हें यार पुलिस की जॉब से हटाना पड़ेगा क्या? फ्रैंकलिन अभी देखना, अभी मेरे पे और केसेस आ गए ना क्या रहा, और तुमने सॉल्व नहीं करे। मैं फिर आज से पुलिस ऑफिस वापस से जाती हूँ पुलिस स्टेशन। हाँ जाना पड़ेगा भाई, ड्यूटी करो गाइस। ये क्या रहा ना ड्यूटी नहीं करती है भाई, सिंचनी में हमारे पेंशन, एक तो साले स्कूल नहीं जाते, ऊपर से क्या रहा तुम्हारे बहाने वो ड्यूटी तो चले जाया करते थे, अब वो भी नहीं जाते, घर में पसरे रहते हैं बिल्कुल ही एक नंबर से। सॉरी फ्रैंकलिन। सॉरी की कोई बात नहीं है यार, एक सेकंड ये किसकी कॉल आ रही है? अरे फ्रैंकलिन किधर है मेरे ब्रदर? अरे मैं इधर ही हूँ माइकल भाई इधर। अरे आ जा ठीक है, आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। ओके तो गाइस आप लोग बस जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप देखो यार ये सब समस्या बढ़ती रहती है भाई, पुलिस केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं लॉस सेंटर्स में। चलो यार मेरे इलाके में तो कोई नहीं बढ़ता, लेकिन क्यारा के इलाके में बढ़ रहा है, तो क्यारा को तो देखना चाहिए ना गाइस। क्यारा को क्या मैं पुलिस जॉब से निकाल दूँ क्या? अरे अरे फ्रैंकलिन क्यारा मैं ऑडियंस से पूछ कर ही करता हूँ सारे काम, ठीक है? तो अभी ऑडियंस जैसा बोलेगी वैसे ही होगा। ऑडियंस आप लोग कमेंट करके बताओ यार मैं इसको जॉब से निकाल दूँ क्या। फ्रैंकलिन पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे ड्रग डीलिंग चलती है, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर, गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर, फ्रैंकलिन सर गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। क्या चल रहा है तुम लोगों का? मोबाइल पिंचर सिंचन, और भाई तुम क्या करते रहते हो भाई, पूरे दिन इस रूम में सड़े रहते हो भाई। यार चप्पू भाई क्या करे फिर? अरे हाँ चप्पू भैया क्या करे फिर? बाबा तो भैया क्रिमिनल क्राइम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, तूने न्यूज़ पढ़ी भाई साहब? जर्नलिस्ट ने भाई साहब हम लोगों पे और प्रेसिडेंट पे लांछन लगवा दिया है।
पर है यार, क्या करें यार। अरे यार अब कुछ करना तो पड़ेगा। अब आ सब हम तो लांछन ना भी लगाते वो लोग तो हम तब भी कुछ ना कुछ करते ही ना भाई, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। ये भाई हमारा पुलिस प्रशासन सोता रहता है। सही बात है, वैसे हम लोग यार पूरे घर में सोते ही रहते हैं, न्यू मेंशन खरीदते और बैठते हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारा भी तो फर्ज बनता है ना देश के लिए काम करना। आ सब और ये तो क्या यार, फ्रैंकलिन भैया को आने दो, कॉल करो। आ जाओ क्या, एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो प्रेसिडेंट सर। हाँ प्रेसिडेंट सर बोलिए। फ्रैंकलिन बेचे करो, तुम यार जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। क्या बात हो गई सर? अरे फ्रैंकलिन तुम्हें पता नहीं है, कल रिपोर्टर ने एक न्यूज़ डाल दी हमारे खिलाफ कि प्रशासन और ये क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? क्राइम्स बढ़ते जा रहे लॉस सेंटोस में हैं और क्या। अरे यार सॉरी प्रेसिडेंट सर, मैं आता हूँ मैं थोड़ी देर में। अबे यार गाइस यार, यहाँ पे तो क्राइम बहुत ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी जो पी ली है, तुम थोड़ी पियोगी तो मुझे जरूर से बताओ। नहीं नहीं इतना काफी है। अरे पी लेती ना थोड़ा सा। यार एक तो ये पुलिस ऑफिसर है हमारे यहाँ के, ये काम करेंगे। अरे ड्राइवर भाई आपको समझ नहीं आ रहा, लॉस सैंटोस में क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं, जर्नलिस्ट हमारे बारे में छाप रहा है। अरे यार पीती क्यों नहीं हो? किससे बात कर रहे हो, कोई भूत प्रेत है क्या? अरे पुष्पा की आत्मा आई है। आ, क्या डरा रहे हो, दूर हट दूर हट। उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो गया। सॉरी। अरे कब तक बात चल रही है? थोड़ी देर तक बात चलेगी मेरी। क्या पागलपन आ गया, ड्राइवर भाई लॉस सैंटोस खतरे में, क्रिमिनल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्राइम मिटाओ ना, कौन मना कर रहा है। अरे यार पहले प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा यार। अरे अरे ठीक है बात तो सही है यार। आ जाओ भाई आ जाओ। आ रहा हूँ भाई एक सेकेंड। हिमाबारी पिंजासी चैन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। हाँ तुम लोग बुला रहे थे ना फ्रैंकलिन भैया, लॉस सैंटोस में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, मैंने न्यूज चैनल पे देखा आपका, आपका माइकल भाई, ट्रेवर भाई और क्या बोलते हैं जो वो प्रेसिडेंट का नाम आ गया कि प्रशासन सो रहा है, क्रिमिनल्स को देख नहीं रहा है, लोग इतने बड़ी परेशानी में है, लॉस सैंटोस डूबता हुआ नजर आ रहा है, हमारे होते हुए ऐसे न्यूज छप रही है। हाँ फ्रैंकलिन भैया अभी बताता हूँ जर्नलिस्ट को। अरे यार जर्नलिस्ट को बताना है या फिर लॉस सैंटोस सुधारना है? अरे हाँ यार लॉस सैंटोस सुधारना है, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ यार, जर्नलिस्ट को थोड़ी, अगर गाइस लॉस पूरे देश में कुछ गड़बड़ हो रही है तो जर्नलिस्ट को थोड़ी सुधारा जाएगा भाई, खुद में सुधार लाना पड़ेगा और भाई लॉस सैंटोस सुधारना पड़ेगा, अपना देश है भाई, अपने देश को सुधारना पड़ेगा भाई। और नहीं तो क्या यार, ऐसा थोड़ी ना है कि यार आप जर्नलिस्ट को सुधारने लग जाओ। हाँ यार ऐसा होता है ना कहीं कहीं जगह यार, काफी लोग क्राइम नहीं मिटाते, जर्नलिस्ट को सुधारते कर। माइकल भाई अरे फ्रैंकलिन यार कितनी सारी केस फाइल्स हो गई है यार, सारी केस फाइल देख रहा हूँ मैं। माइकल भाई आप भी? अरे यार मैं तो क्या रहा खामों का डाट रहा था, मतलब अरे यार इतनी सारी केस फाइल हो गई। अबे हर एक पुलिस स्टेशन में कम से कम 50-50 केसेस दर्ज हो रखे हैं यार, क्रिमिनल केसेस क्या और क्या, और ये सारे माफिया गुंडे ये सब कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ने भी कॉल करके बुलाया हमें, तो चल भाई किस बात की देरी है। हाँ भाई फिर चलते हैं। माइकल भाई यार ये तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो गई है। तो माइकल भाई फिर चलते हैं। और फ्रैंकलिन बात हो गई क्या माइक ड्राइवर भाई आपकी? हाँ खत्म हो गई, तो चलो भाई जल्दी से गाड़ी निकालें और आओ भाई जल्दी से। हाँ ठीक है तू गाड़ी निकाल, जब तक हम निकलते हैं भाई जल्दी से। और क्या ये सब भाई साहब, क्राइम व्राइम मिटाने हैं भाई अच्छी तरीके से, क्राइम मिटाने, प्रेसिडेंट से भी मिलना है भाई। अब क्या पहले क्राइम मिटाएं या प्रेसिडेंट से मिले गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो भी देखना ही पड़ेगा। फ्रैंकलिन देखा ना तुम मुझे काम का डांट रहे थे। आई एम रियली सॉरी क्या रहा, मुझे नहीं पता था यार क्राइम लॉस सैंटोस में खुद ही बढ़ रखा है, मैं तुम्हें खामोखा ही डांट रहा था, कोई नहीं क्या रहा, सो आई एम रियली सॉरी। अरे हाँ फ्रैंकलिन, तो चलो भाई कोई गाड़ी निकालते हैं या फिर स्कॉर्पियो में बैठ करके चलते हैं। बाकी ऑडियंस आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके सो गाइस यार हम लोग बैठ गए हैं हिमावरी पिंजरा सिंचन। हाँ बैठ गए हम लोग। अरे अरे आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी से। ओके सो गाइस हम लोग लेके चल रहे हैं ये क्या बोलते हैं अपनी BMW X7, क्योंकि यार इससे थोड़ा सा हमें ना काफ़ी ज़्यादा सेफ वो रहेगा, क्योंकि इसमें हम ना किसी को भी उड़ाते हुए चल सकते हैं, है ना। फ्रैंकलिन सर हमें मत उड़ा दीजिएगा। नहीं नहीं तुम्हें थोड़ी उड़ाऊंगा यार, तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ सर ऑल द वेरी बेस्ट सर, बाकी ज़रूरत पड़े तो हमारी, अरे यार हमारी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती तो यार कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पुलिस प्रशासन सो रहा है भाई, मेरे को पुलिस प्रशासन को ठीक मतलब यार पुलिस, माइकल भाई हम लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई पुलिस स्टेशन वालों को तो करना चाहिए ना। फ्रैंकलिन पर यार एक बात बता, अब पुलिस स्टेशन को लीड करने वाला कौन है, हम ही हैं, तो हम लोग ही मौज मस्ती काट रहे हैं यार, तो फिर वो क्या करेंगे। बात तो सही है माइकल भाई आपकी, हाँ तो मैं तो हमेशा बात सही करता हूँ। अरे अरे हाँ फ्रैंकलिन माइकल भाई तो बात सही करते हैं। हाँ हाँ वही तो यार सही बात है यार, ऐसी कोई गलत बात तो माइकल भाई बोल ही नहीं है। चलो यार अब यार हम लोग पहुंचते हैं भाई, क्राइम तो मिटाने ही है, हट जाओ सालो एक से तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे 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 फ्रैंकलिन सर इसने BMW X7 निकालते क्या? अरे यार फ्रैंकलिन सर ने BMW X7 निकाल दिया, दूर हो जाओ सब लोग। गए गया इतने में, हम तो साले क्राइम मिटाने के लिए उतरे हैं भाई लॉस सैंटोस में, क्रिमिनल्स को मिटाने के लिए। अरे यार फ्रैंकलिन यहाँ पे एक केस आया, यहाँ पे हादसा हो चुका है। हाँ फ्रैंकलिन सर आप कहाँ सो रहे थे, हमारे पूरे इस पर लूट मच गई, हादसा हो गया,
आई एम रियली सॉरी यार, गलती हो गई यार हम लोगों से। सर आप कहाँ से ये तो बताइए, हमने कितनी कॉल करी, हमारा लूटपाट हो गई, हमारे गोडाउन में लूटपाट हो गई सर। अरे अच्छा, हाँ सर पूरा माल, लेकिन माल तो ऐसे ही रखा हुआ है। नहीं सर, माल पूरा सही रख, मतलब माल पूरा दूसरा आया है सर, हमने तो लॉक वॉक लगा दिए कि कोई ना आ पाए अब, लेकिन सर आपको हमने कॉल कर करके थक गए, आपने कॉल नहीं उठाई। कब की बात है यार, फ्रैंकलिन भैया कल मैं गेम खेल रहा था तो भूल गया। तो यार शिनचैन तेरी भी यार अलग ही ऐसी तैसी है, आई एम रियली सॉरी यार भाई। यार लॉस सैंटोस की पब्लिक इतने परेशान है क्राइम से। अरे आई एम रियली सॉरी, मैं ठीक करता हूँ सब कुछ। अब एक्चुअली सर क्या ठीक करोगे, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन फिर भी मेरे पे क्राइम आ सकता है। अरे यार भाई साहब, ये क्लब का भाई जो ओनर है भाई परेशान हो रखा बिल्कुल ही। अरे फ्रैंकलिन सर सुनिए। हाँ सर, कहाँ रहते हो आप, अपनी दुनिया में रहते हो क्या, अपने व्लॉग बनाते रहते हो? सर एक बात बताओ, कल मेरे घर पे लूटपाट हो गई, मेरी सोने की चेन चुरा ली, कोई देखता है क्या ये सब चीजें? और मैं रिपोर्ट लिखाने गया था, उन लोगों ने यार मेरे पे चाटा मार दिया। क्या इतना बुरा हो रहा है अपना यह पुलिस स्टेशन? अबे यार पहले चलते हैं यार जल्दी से, प्रेसिडेंट से बात करते हैं, प्रेसिडेंट ने हमें क्यों बुलाया है। माइकल भाई फिर इन पुलिस प्रशासन को ठीक करते हैं और फिर सालों उन गुंडों को ठीक करते हैं, है गाइस, है ना? अरे अरे हाँ फ्रैंकलिन, चलो यार जल्दी से, पुलिस वालों को ठीक करना है हम लोगों को। हाँ हाँ पुलिस वालों को ठीक करना है क्या, क्राइम क्रिमिनल्स को भी मिटाना है यार अच्छी तरीके से। और क्या यार, इतना तो यार दिमाग खराब कभी नहीं होता यार जितना अब हो गया है। बाकी ऑडियंस आप सभी लोग यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो गाइस, लिंक इन द सब्सक्रिप्शन। अरे यार डिस्क्रिप्शन होता है, यार मुंह से यार गलत निकल गया यार। ओके तो कोई बात नहीं भाई, यार मतलब यार लॉस सैंटोस अब सेफ नहीं रहा। अबे यार फ्रैंकलिन, जब हम पुलिस बने थे ना, आधे लोग तो हमारे से डरते थे कि भाई गैंगस्टर व्यक्ति पुलिस बन गया है, वैसे ही हम लोगों से सब लोग क्रिमिनल्स डरते थे, अब गैंगस्टर व्यक्ति पुलिस बन गया। लेकिन यार जब हम लोगों ने ढील छोड़ दी तो सब लोग यार दूर हट गए। अच्छा हम लोग यार यहाँ पे मैंशन खरीदने में, व्लॉग बनाने में, गाड़ी खरीदने में, गाड़ी की रेस लगाने में बिजी रहे, और वहाँ पे वो लोग ये सब काम करते चले गए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब देखता हूँ इनका। हम लोग पहुँच गए प्रेसिडेंट के यहाँ। फ्रैंकलिन भैया बच्चों तुम मत उतरना। ओबे यार इतनी भीड़, जवाब चाहिए। अरे अरे जवाब चाहिए। अरे अरे क्या कौन आया है? अरे फ्रैंकलिन जल्दी हो, फ्रैंकलिन जल्दी हो। हाँ प्रेसिडेंट सर, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट सर। आओ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन तुम गलत कर रहे हो। अरे अरे सुनो क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम लोग इतना गलत क्यों करते हो? हमारे लॉस सैंटोस में इतना क्राइम बढ़ रहा है, कंप्लेंट लिखाने ले जाओ तो कोई FIR दर्ज नहीं करता, हम एक एक जगह के सब कोई जिला अधिकारी हैं। अरे माइकल भाई, अरे यार क्राइम हमें मिटाना है यार हम लोगों को। लेकिन सुनिए देखिए, हम ये लाइव चल रहा है क्या? हाँ हाँ आपको न्यूज में लाइव दिखाया जा रहा है। तो फ्रैंकलिन बोल, तो मैं बताता हूँ कि लॉस सैंटोस में जो क्राइम बढ़ रहा है। अरे आप हमें इस बात का जवाब दीजिए, आप लोग लॉस सैंटोस में रेस लगाते फिरते हो, ये करते फिरते हो, रोड सड़के खाली करते हो, हम पब्लिक आपकी बात मानती है ना, लेकिन हम पब्लिक की सेफ्टी का क्या, हमारी पब्लिक की सेफ्टी? हाँ वो तो सही बात है, हम लोग थोड़े से ध्यान नहीं दे पाए थे। तो प्रेसिडेंट देखो, प्रेसिडेंट सर की कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? उन्होंने आपको टाइट नहीं किया, आपको टाइट नहीं किया तो आपने पुलिस स्टेशन में जो वो बैठे अधिकारी है उनको टाइट नहीं किया, और उसी चक्कर में वो लोग हमसे उल्टा जवाब में बात करते हैं और हमें मारते पीटते हैं, चाटा मारते हैं। अच्छा एक सेकेंड सुनो, मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 3 दिन के अंदर लॉस सैंटोस का सारा क्राइम भग जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर लॉस सैंटोस का सारा क्राइम नहीं भगा तो भाई साहब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस वर्दी छोड़ दूंगा। हाँ वो तो छोड़नी पड़ेगी वैसे भी तुम्हें। अच्छा अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बात का विश्व ध्यान दो। फ्रैंकलिन इतना बड़ा दावा, 3 दिन में पूरे लॉस सैंटोस का क्राइम? अरे और नहीं तो क्या यार, 3 दिन में लॉस सैंटोस का क्राइम कैसे मिटाया जाएगा? फ्रैंकलिन कैसे मिटा लोगे? प्रेसिडेंट सर मिटाएंगे, फ्रैंकलिन साथ मिलकर के मिटाएंगे। हाँ साथ मिलकर के हम लोग लॉस सैंटोस का क्राइम मिटाएंगे। ठीक है, अगर 3 दिन बाद इसी टाइम अगर तुमने लॉस सैंटोस का क्राइम नहीं मिटा, वो माफिया गुंडे जो बदतमीजी कर रहे हैं लॉस सैंटोस में ये नहीं मिटा, तो फिर हम लोग आप पे ये हमें वर्दी नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम यहाँ से हट जाना। हाँ मैं खुद से ही हट जाऊंगा, और मैं भी वादा करता हूँ अगर 3 दिन में, फ्रैंकलिन मैं तुम्हारे भरोसे कर रहा हूँ। क्या प्रेसिडेंट सर, 3 दिन में अगर फ्रैंकलिन ये क्राइम नहीं मिटाते तो मैं अपनी भी पद छोड़ दूंगा, प्रेसिडेंट की पद छोड़ दूंगा। हाँ वो तो छोड़नी वैसे भी पड़ेगी तुमको,
प्रेसिडेंट सर आप तो ये बात मत बोलो। अरे नहीं फ्रैंकलिन जुबान की बात है, अब तुम यार देखो ऐसा करो लॉ सेंटर से सारा क्राइम मिटा दो और जितनी भी वेपन सब कुछ चाहिए हमारे से सिक्योरिटी चाहिए सब कुछ ले जाओ। नहीं नहीं सिक्योरिटी तो काफी है ही नहीं हम लोगों के लिए, हम लोग तो माइकल भाई ट्रेवर भाई और क्यारा हम लोग ही काफी है। ऊपर से ये छिंचन हिमावारी पिंचन है ना यही साले 10 पुलिस के बराबर है। पहले तो इन पुलिस प्रशासन ये जो जाकर है सारे पुलिस स्टेशन में जाके इनको ठीक करना है भाई हम लोगों को। तो गाइस अब 3 दिन का चैलेंज ले लिया है और बहुत बड़ी बात है यार ठीक है। तो कल मैं यहाँ से वीडियो चालू करूँगा ठीक है गाइस, यहाँ से वीडियो चालू करेंगे। कल कोई घर का सीन नहीं दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा गाइस, सब आपको ना अब यहाँ से हम लॉस सेंटर्स के लिए काम करेंगे और जब तक हम लॉस सेंटर्स में क्राइम ना मिटा दें गाइस हम लोग यार घर नहीं जाएंगे। हाँ गाइस हम लोग घर नहीं जाएंगे जब तक हम लॉस सेंटर्स का क्राइम नहीं मिटा देते। ओके तो गाइस चलो यार यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी हो, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।